सत श्री अकाल जी, इंडिया न्यूज़ पंजाब वेख रहे हो तुसी ते मैं हाँ मनिंदर कौर लैके हाजिर हाँ बुलेटिन। सो बुलेटिन का आगाज करांगे, खेमकरन के पिंडां दे विच पशु पालन मंत्री पहुंचे ने ते सेहतमंद पशुओं नू मुफ्त डोज लगाई जाएगी ते बीमारी तो बचाउण दे लई ए हो डोज ने जो लगाए जाएंगे ते गोट पॉक्स दवाई दियाँ 66,666 डोज मंगवाइया गई ने भुल्लर वालों किया गया है। तो सरकार ने सूबे के जिलों 76 लाख रुपए की राशि जारी की है। सेहतमंद पशुओं मुफ्त डोज लगाई जाएगी, बीमारी तो बचाने के लिए डोज लगाई जाएगी क्योंकि लंपी स्किन की जो बीमारी है लगातार ही फैलती जा रही है। पशुओं के विच भयानक बीमारी कहर है जो बन के उभर रही है। सरकार ने सूबे के जिलों के जो पशु डॉक्टर ने पशुओं वाले डॉक्टर ने उन्होंने भी दस दिए कि भेजे है। तो खेमकरन के पिंडां दे विच डोज लगाई जा रही है, दवाई है जो पशुओं नूं उन्होंने उपर स्प्रे की जा रही है। बीमारियों तो बचण दे लई डोज है जो होर लगाई जाएगी। गोट पोक्स दवाई दियाँ 66,666 डोज ने मुहैया करवाई गई ने, 76 लाख रुपए की राशि भी जो मुहैया करवाई गई है। वड्डी खबर है, दस दें कि सरकार ने सूबे के जिलों 76 लाख रुपए की राशि जारी की है। सेहतमंद पशुओं नू मुफ्त डोज लगाई जाएगी ते बीमारी तो बचण दे लई ये डोज लगाई जाएगी। सरकार ने सूबे के जिलों 76 लाख रुपए की राशि जारी की है। दस दें कि 66,666 डोज मंगवाई गई ने भुल्लर वालों किया गया है। सेहत मंत्री दस दें कि सेहतमंद पशुओं के लिए लगातार ही उपराले ने जो किए जा रहे हैं, तो जो पशु इस बीमारी का शिकार हुए ने उन्होंने भी जो दवाइया ने लगातार मुहैया करवाई जा रही ने। सरकार के वलों सूबा सरकार के वलों जिले के 76 लाख रुपए की राशि भी जारी की गई है। खेमकरन के पिंडा दे विच पशु पालन मंत्री पहुंचे ने, ते पशु पालन मंत्री दे वलों सेहतमंद पशुओं के वलों जो मुफ्त डोज का सुविधा मुहैया करवाई गई है ते बीमारी तो बचण दे लई डोज है जो लगवाई जा रही है। गोट पोक्स दवाई दियाँ 66,666 डोज मंगवाई जा रही ने। खेमकरन के पिंडां दे विच पशु पालन मंत्री पुजे ने, खेमकरन के पिंडां दे विच पशु पालन मंत्री पहुंचे ने ते सेहतमंद पशुओं नूं मुफ्त डोज लगाई जाएगी। सो इसे खबर ते वधेरे जानकारी दे लई साडे नाल तरन तारण तो पत्रकार बलजीत सिंह फोन लाइन ते जुड़ चुके ने। बलजीत, जिस तरह की पशुओं के बीमारी है जो बहुत ही बुरी तरह के नाल फैल रही है, तो उत्थे खेमकरन के पिंडां दे विच पशु पालन मंत्री पहुंचे ने, फिलहाल की अपडेट है? जी बिल्कुल, दसना चाहवा कि यह बॉर्डर एरिए दे नाल लगता हल्का खेमकरन जिस दे विच लंबी स्किन बीमारी ने वड्डे पद्धर से दस्तक दिती हुई है। वड्डे पद्धर से लोगों की गावां जिहड़ियां मर रही ने, जिस तों बाद पशु पालन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर वालों इन्हां पिंडां दा दौरा किया जाता है। तो इस दौरे दौरान उन्होंने एक ऐलान किया कि जिहड़े सेहतमंद गावां ने उन्होंने जिहड़ी डोज आ बिल्कुल फ्री लाई जाएगी, जिहड़ियां गावां बीमार ने उन्होंने जिहड़े वैटनरी डॉक्टर ने हर वक्त उन्होंने मतलब कि जानकारी उन्होंने लेंदे रहेंगे, उन्होंने जो भी दवाई या किसी चीज़ की लोड़ है सरकार बिल्कुल उन्होंने मुफ्त मुहैया करवाएगी। जी जी अबल जी, लगातार ही सरकार के वालों उपराले ने जो किए जा रहे हैं क्योंकि पशुओं के लंपी स्किन बीमारी है जो एक कहर की तरह फैल रही है, जो लगातार ही बीमारी के पशु ने जो वाधे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे पशुओं की मौत भी हो चुकी है इस बीमारी के चलते। बिल्कुल दस दी कि साडा जिहड़ा एरिया खेमकरन हल्का है, इस दे विच
तकरीबन हुण तक 400 तो वध गावां दी मौत हो चुकी है। ये गावां जिहड़ियां लोकां वल्लों दब्बण दी थां ते खुले थावां ते ही सुट्टियां जा रहियां ने, जिस नूं लै के होर भी कई भयानक बीमारियां फैलण दा खतरा बनिया है। उत्थे ही इस बीमारी ने जिथे गरीब किसान अते गरीब होर वर्ग के लोग उन्हां नूं हला के रख दित्ता है, उत्थे सरकार भी चिंता है कि इसते जल्दी तो जल्दी इस दवाई ते इस बीमारी ते कंट्रोल किया जाए। जी बलजीत, तमाम जानकारी दे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दस दिए कि खेमकरन दे पिंड पशु पालन मंत्री पहुंचे ने, ते पशु पालन मंत्री दे वलों कहा गया कि बीमारी तो बचाउण दे लिए लगातार पशुओं के लिए डोज है जो मंगवाई जा रही है। गोट पॉक्स दवाई दियाँ 66,666 डोज मंगवाई गई। बठिंडा की विधानसभा सीट रामपुरा तो विधायक बलकार सिद्धू ने एक SI नूं रिश्वत लैंदिआं रंगे हाथी फड़िया, जिसकी वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रही है। बठिंडा के दयालपुरा भाई चौंकी विखे तैनात SI जगतार सिंह दे वलों 5,000 रुपए की रिश्वत ली गई है। वीडियो बना के विधायक बलकार सिद्धू ने SI की जेब चो रिश्वत के 500-500 के नोट कटे ने। दस दिए कि SI जगतार सिंह ने एक व्यक्ति 20 लीटर लहान समेत काबू किया, जिस तो कि रिश्वत मंगी गई थी। वही खबर है, विधायक ने SI की जेब चो 500-500 के नोट कड़े ने, रिश्वत लेंदे हुए रंगे हाथी काबू किया गया। SI 20 लीटर लहान समेत काबू किया गया। पंजाब सरकार की रिश्वत खिलाफ मुहिम लगातार जारी है। भ्रिष्टाचार अधिकारियों मुलाजमान लगातार रंगे हाथी फड़ती हुई दिखाई दे रही है पंजाब सरकार। तो उत्थे MLA दे वलों दस दिए कि विधायक दे वलों एक SI नूं रिश्वत लेंदे हुए रंगे हाथी फड़िया गया। पंजाब सरकार की रिश्वत खिलाफ कार्रवाई मुहिम लगातार जारी है। विधायक बलकार सिद्धू ने SI नूं रंगे हाथी फड़िया है। 5,000 रुपए की SI दे वलों रिश्वत ली जा रही थी, जिसके चलते MLA ने SI की जेब चो 500-500 के नोट भी कढ़े ते 20 लीटर लहान समेत काबू किया गया है। पंजाब सरकार की रिश्वत खिलाफ मुहिम लगातार जारी है। विधायक बलकार सिद्धू ने SI नूं रंगे हाथी रिश्वत लेंदे हुए काबू किया। दस दिए कि लगातार पंजाब सरकार के वलों भ्रिष्टाचार से नत्थ है जो पाई जा रही है। सरकार के वलों रिश्वत लेंदे हुए विधायक बलकार सिद्धू ने SI नूं रंगे हाथी फड़िया। 5,000 रुपए की SI रिश्वत लै रहा है, जिसके चलते वीडियो भी बनाई गई है। वीडियो सोशल मीडिया से बाखूबी वायरल हो रही है। पंजाब सरकार के वलों भ्रिष्टाचार से नकेल कसी जा रही है। विधायक बलकार सिद्धू ने SI नूं रंगे हाथी फड़िया। 5,000 रुपए की SI दे वलों रिश्वत ली जा रही थी। सो इस खबर से वधेरे जानकारी दे लिए बठिंडा तो कुणाल बंसल फोन लाइन से जुड़ चुके ने। कुणाल, जिस तरह की पंजाब सरकार दे वलों रिश्वत खिलाफ मुहिम लगातार जारी है, भ्रिष्ट चाहे कोई अधिकारी है या फिर मुलाजम है, उन्होंने रंगे हाथी फड़न की जो कोशिशें नहीं कीतियां जा रही ने, तो उत्थे ही SI नूं काबू किया गया विधायक दे वल्लों। फिलहाल की अपडेट है? जी बिल्कुल, देखो ये वीडियो जी कल दी है जो वायरल हो रही है तेजी के नाल सोशल मीडिया से, जिस दे विच विधायक बलकार सिंह सिद्धू जो बठिंडा विधानसभा रामपुरा सीट तो विधायक ने, आम आदमी पार्टी के, उन्होंने वालों वीडियो बनाई गई। उस तो बाद वीडियो जी तेजी के नाल वायरल हो रही है, जिस दे विच दिखाई दे रहा है SI जगतार सिंह जो दयालपुरा रामपुरा के चौंकी पैंदी है भाई का, उत्थे चौंकी च इंचार्ज है जगतार सिंह, जिस दे वल्लों रिश्वत लिती जा रही सी। रिश्वत 5,000 रुपए की, जो नोट भी गिने जा रहे हैं वीडियो के, 500-500 के नोट है, 5,000 रुपए रिश्वत, क्योंकि जगतार सिंह वालों बीते दिन एक व्यक्ति काबू किया गया। इस वालों उन्होंने
30 लीटर जी लाहन की बरामद की कितनी सी लाहन की बरामदगी लैके ही यह मामला जरा दर्ज किया गया। दर्ज तो बाद जरा उस तो बाद उन्होंने बलकार सिंह सिद्धू जो विधायक ने उन्होंने वालों वीडियो बनाई कि एस एस पी को भी पहला सूचित किया गया सी वीडियो के विधायक कह रहे हैं भी तेनों पहला भी रोकया सी एस आई ने भी तू रिश्वत लैनी बंद कर दे आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई रिश्वत ना लिया कर इस तो बाद रिश्वत लैनी एस आई ने बंद नहीं की वीडियो बनी वीडियो तो बाद जी है वीडियो तेजी के वायरल हो रही है देखना होगा किस तरह की कार्रवाई जी है एस एस पी वालों एस आई के खिलाफ की जा रही है। एस एस पी के ध्यान के मामला लिया गया एस एस पी ने दे दी गई है इसके बाद देखना होगा कि अज एस एस पी बठिंडा एस आई जगतार सिंह के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करते हैं जी। तमाम जानकारी के लिए कुणाल बहुत बहुत धन्यवाद। दस दें कि विधायक बलकार सिद्धू वालों रिश्वत लेंदे हुए एस आई रंगे हाथी दबोचा गया रंगे हाथी काबू किया गया। बर्मिंघम च गुरजीत कौर वालों शानदार प्रदर्शन किया गया तो परिवार के खुशी का माहौल बनया हुआ। परिवार ने एक दूजे का मुँह मिठा करवा के खुशी का इजहार किया है तो परिवार ने भगवंत मान सरकार का भी तह दिलों धन्यवाद किया। परिवारिक मैंबर के खुशी का माहौल देखने मिलया तो परिवार के वलों सरकार तो सरकारी नौकरी की मांग की जा रही है। मीह कारण आए हड़ां कारण किसानों के लिए आफत बनया हुआ है। दस दें कि हड़ां की लपेट के दर्जना पिंड आए हैं तो इलाके का जायजा लैण के लिए किसान आगू डलीवाल पहुंचे ने तो जगजीत सिंह डलीवाल के वलों पीड़ित किसानों की मदद दे पहुंचे ने तो किसानों के नाल गलबात भी की गई है। बठिंडा दे विच मकान की छत डिगण दे चलदे 2 साल दे बच्चे की मौत हो गई है। मासूम बच्चा कमरे दे विच सो रहा सी कि अचानक घर की छत डिग गई। मृतक बच्चे के पिता ने दस्या कि वह पानी पीने के लिए उठा सी तो अचानक कमरे की छत डिग गई तो उसका 2 साल का मासूम बच्चा उस कमरे की छत हेठां सुत्ता पिया सी जिस तो बाद उसके वलों रौला पाया गया। आस पास के दुकानदारों की मदद के नाल बच्चे छत के मलबे हेठों बाहर कढ़ लिया गया तो निजी हस्पताल दे विच पहुंचाया गया पर बच्चे की उत्थे मौत हो गई। छोटा मुंडा सी लड़का 2 साल का यही 4-5 बच्चे से दो मुंडे सी साढ़े उधर जे दूजे कमरे च जा उड़े ये मेरे को कला मुंडा मेरे को नाल सौ गया सी ते मैं पानी पीण बाहर गया जी उस सत पता ही नहीं लगे जी मैंने तो पानी पीण ही लगे सी अजे गलास च पा के उस डिग गई जी तो उस बाद मैं भजया जी तो कोई भी नेड़े कोई बेचारे दुकाना वाले सके ये भज के आए मेरे को जी मैं अंदर जा उड़े उस कढ़ लिया सी इन्होंने बेचारे ने बार से जोड़ा वह भी पूरा लगे पाया सी सारे डग्गा डन धक्के पे जी इन्हें कढ़ लिया फिर ये आ गए बचे इन्होंने बार बूर खिंचा फिर अंदर आए जी फिर ये बच्चा हस्पताल लेके गए जी हस्पताल बठिंडे बच्चा दिल्ली पब्लिक स्कूल से अपना मेरा पिंड आही है जी गलपत्ती मकान की छत डिगण डिग पी खुद थले बच्चा सी सुत्ता पिया 2 साल की उम्र से डैथ हो गई। दस दें कि मकान की छत डिगण कारण मासूम 2 साल की मौत हुई है तो मासूम बच्चा छत के नीचे सुता हुआ से कि अचानक छत हेठा डिग जाती है जिसके चलते बच्चा छत के हेठा ही दबिया जाता है। पंचकूला तो खबर है दस दें कि स्टाइलम इंडस्ट्रीज फेस एक दे विच अग लगी है तो फायर ब्रिगेड दियां 5 गड्डियां ने अग ते काबू पाया। 2 लोगों के झुलसन की भी खबर सामने आई है तो जख्मियों को हस्पताल दे विच रैफर किया गया पहुँचाया गया। दस दें कि पीजीआई दे विच जख्मियों को रैफर किया गया स्टाइलम इंडस्ट्रीज फेस एक दे विच अग लगी है तो फायर ब्रिगेड दियां 5 गड्डियां ने अग ते काबू पाया।
फायर ब्रिगेड दीयां गड्डियां मौके ते पहुंचदियां ने ते मौके ते फायर ब्रिगेड दीयां गड्डियां पहुंच के अग ते काबू पाउंदियां ने। स्टाइलम इंडस्ट्री फेस एक दे विच भयानक अग लगी है ते फायर ब्रिगेड दीयां पंज गड्डियां ने मौके ते पहुंच के अग ते काबू पाया। दो लोगों के झुलसन की भी खबर सामने आई है। जख्मियों नूं पीजीआई दे विच दाखिल करवाया गया है। दस दे कि जख्मियों नूं हस्पताल दे विच रैफर किया गया दाखिल करवाया गया है ते हाले तक अग लगन दे कारणां दा पता नहीं लग सकिया कि आखिर अग किवें लगी है। फैक्ट्री दे विच फेस एक दे विच फैक्ट्री है जिथे अग लगी है। मौके ते अग बचाओ यंत्र अग बचाओ गड्डियां ने जो पहुंचदियां ने ते अग बचाओ गड्डियां दे नाल अग ते काबू पाया जांदा है। जख्मियों नूं पीजीआई दे विच रैफर किया गया दाखिल करवाया गया। अग लगी है। दस दें कि फेस एक दे विच अग लगी है ते फायर ब्रिगेड दियां मौके ते गड्डियां पहुंचदियां ने ते मौके ते गड्डियां दे वल्लों अग ते काबू पाया जांदा है। जख्मियों नूं पीजीआई दे विच दाखिल करवाया गया। स्टाइल इंडस्ट्रीज दे विच दस दें कि फेस एक दे विच अग लगी है ते अग लगन कारण दो लोगों के बुरी तरह झुलसन की भी खबर सामने आई है। फिलहाल दोनों मजदूरों को दाखिल करवाया गया हस्पताल दे विच रैफर किया गया। कुड़ियों की होकी टीम ने कॉमनवैल्थ खेडों के कांसी का तगमा जीतया है। सीएम भगवंत मान के वालों बधाई दी गई है। दस दें कि 16 साल बाद तगमा भारत के हिस्से आया है तो भारतीय कुड़ियों की होकी टीम ने राष्ट्रमंडल खेडों के कांसी का तगमा जीतन से दिलों मुबारक। आखिरकार 16 साल बाद तगमा भारत के हिस्से आया तो सारी टीम के बेहतर भविख के लिए दिलों शुभकामनावां को साहबानों भी वधाइया चक दें। ट्वीट किया गया पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के वालों।
देश भर के तीज का त्यौहार बड़े ही उत्साह के नाल मनाया जाता है। तो उत्थे जेकर राजपुरा की गल करिए राजपुरा के तीज का त्यौहार मनाया गया है। तीज के त्यौहार के औरतों के वलों शमूलीयत की गई है। तो दस दिए कि तीज के त्यौहार मौके पिंड दियां तीयां तीयां के त्यौहार के लिए अपने पेके घर आउंदियां ने ते अपनियां पुरानियां सहेलियां नूं मिलदियां ने। उन्हां दे नाल मिलन दा सुभाव बनदा है। तीज पंजाब दियां औरतां दे इक महत्वपूर्ण त्यौहार है। पंजाब दे लोक सौन महीने दी बेसब्री दे नाल उड़ीक करदे ने क्योंकि इस समय वख वख त्यौहार आउंदे ने ते तीज दा त्यौहार उत्साह अते इक दूजे दे नाल जुड़न दा मौका लैंदा है। देश भर दियां तीयां ने जो अपने पेके घर आउंदियां ने ते अपने पेके घर आके तीयां दा त्यौहार बड़े ही चावां दे नाल मनाउंदियां ने। राजपुरा दे जिमीदारा आश्रम विखे पंजाब दे सभ्याचार नूं वेखदे हुए तीयां दा त्यौहार बहुत ही खुशियां दे नाल मनाया गया, जिस दे विच हलका विधायिका नीना मित्तल वल्लों विशेष तौर ते शिरकत की गई है। तो उत्थे ही प्रबंधकां दे वल्लों तीयां दे त्यौहार मौके वख वख औरतां नूं सन्मानित भी किया गया। मेला तियां का मेला है जी, ये पंजाब जिहड़ा कल्चर अपना आ करी गल करी मैडम सुनना, पंजाब का जिहड़ा अपना वो सीगा कल्चर जिहड़ा लोग विसार चुके आ चीज़ नू उहदे च रूह पाने वास्ते असी ने यह एफर्ट लाया जी। असी कोशिश करी है भी जिहड़े हुण दे बच्चे ने उहनां नू अपने सभ्याचार वास्ते दस्या जावे, उहनां नू इह दस्या जावे भी साडी धरती किन्नी रंगली है, किन्ने इहदे च त्यौहार ने, किन्ने मेले है, किन्ना सब कुछ हैगा। असी वैसटर्न दे पिछे लग गए और असी अपने धरती दे त्यौहारां नू भुल चुके हाँ। उस चीज़ नू असी जिउंदा रखण वास्ते असी सब ने लेडीज़ ने रल के यह गुरु नानक नगर निवासी बीबियां ने करी है कोशिश। एक धरत सुहावी साडी संस्था का नाँ है, उहदे सिरलेख हेठ असी एक कोशिश करिए भी असी धरती नू सोहणी बनाईए। देखो अपने सभ्याचार नू जिउंदा रखण लई असी छोटी जी निमाणी जी कोशिश कर रहे हैं। थोड़े सामने ही है जो भी हैगा, बीबियां बहुत उत्साहित है, बहुत खुश है। तो बाकी आप देख रहे हैं एटमोसफीयर का अपने वातावरण नू बचाउण लई असी रुखां नू लगाउण दी कोशिश की है। घरे पए हुए ने अज असी मैडम तो बूटा भी लगवावांगे ते अपने वातावरण की सांभ संभाल लई बीबियां नू पानी बचाउण लई साड़ी मेन मकसद हैगा साड़ी सत दा यही कि पानी नू बचाउणा और धरती नू बचाउणा धीआं नू बचाउण दा। भी तियां दा मेला भी पुरानी सोच द्वारा होवे, अपने जो नवी जनरेशन है ये सारा कुछ भूल चुकी है तो उन्होंने याद दिलाने लई एक तरह मतलब फ्रेंड सर्कल द्वारा इकट्ठा करने वास्ते है ना, यही भी बस ये सब पहला कुछ होंदा था, अज दी जनरेशन है सारा कुछ भूल रही है। ये करके मतलब कि हुण आपां दुबारा इस नू जिंदा करिया सारा नू मिल के, मतलब कि एक तरह पंजाब अज पंजाब लग रहा है। इस नाल ही वड्डी खबर सामने आ रही है। दस दिए कि श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल अज जीरा की अदालत दे विच पेश होंगे। दस दिए कि सुखबीर सिंह बादल 2017 दे विच रोड जाम मामले दे विच पेश होंगे ते फिरोजपुर जिले च धरने दौरान आवाजाई ठप करन दा मामला है जो दसिया जा रहा है। साबका मंत्री बिक्रम मजीठिया समेत 200 दे करीब अकाली वर्करां ते मामला दर्ज होया है। दस दिए कि सुखबीर सिंह बादल जिला अदालत दे विच पेश होंगे ते 2017 दे रोड जाम मामले दे विच पेश होंगे। फिरोजपुर जिले च धरने दौरान आवाजाई ठप करन दा मामला है जो दस्या जा रहा है ते साबका मंत्री बिक्रम मजीठिया समेत 200 दे करीब अकाली वर्करां ते मामला दर्ज किया गया है। सुखबीर सिंह बादल जीरा अदालत दे विच पेश होंगे ते 2017 दे रोडरेज रोड जाम मामले च पेश होंगे। फिरोजपुर जिले च धरने दौरान आवाजाई ठप करन दा मामला दस्या गया। दस दिए कि साबका मंत्री बिक्रम मजीठिया ते भी मामला दर्ज किया गया सी ते बिक्रम मजीठिया समेत 200 दे करीब अकाली वर्कर ते भी मामले दर्ज किए गए ने। फिलहाल के लिए इन्ना ही, तो मैं मनिंदर कौर को दो इजाजत, बने रहो इंडिया न्यूज़ पंजाब के नाल। सत श्री अकाल, धन्यवाद।